सो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आपका ट्रेडिंग गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं देखिए, पहली तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, कि मैं अभी अपना बहुत दिनों बाद एक लाइव अपडेट डाल रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि मंडे के दिन का मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ मूव करेगा। दोस्तों, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे लिए एक बार इस चैनल पे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आप बहुत सी चैनलों पे वीडियो देख रहे हैं और उन्हें लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, एक बार मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप मुझे लाइक तब करें जब आप अगले दिन मार्केट ओपन हो, आप मेरे लेवल को रिटेस्ट करें, देखें कि उधर लेवल गया कि नहीं, उनने काम किया कि नहीं। अगर काम नहीं किया तो बिल्कुल ना करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें। लेकिन अगर मेरे लेवल काम करते हैं तो प्लीज़ फिर से आके मेरी चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। तो मैं आज अपने वीडियो में शुरू करने के पहले, जहां मैं आपको बताऊंगा कि मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी का मार्केट कहां जाएगा और कैसा रहेगा, वो दिखाने के लिए मैं आपको चला आता हूं। सबसे पहले मैं इस टैक्स में एक चीज़ आप लोगों के लिए नोट डाउन करना चाहूँगा कि आप पहले लेवल देखें, ठीक है, मार्केट में टेस्ट करें, टेस्ट करें, जब सही हो तब ही चैनल को लाइक करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, पर करें ज़रूरी। अगर मैं अच्छी बात बता रहा हूँ तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत को सफल होने दें, ऐसे ख़राब ना करें। अगर मेरे लेवल सही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना वीडियो और आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कुछ लेवल हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने अभी लगा लिए हैं आपके सामने। देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये है शुक्रवार के दिन का मार्केट निफ्टी में, जहां आप देख सकते हैं मार्केट ने किस तरीके से साइकोलॉजिकल लेवल को फॉलो किया। पहले तो देखिए इसकी गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद दोस्तों देखिए ये एक जो लेवल था मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था, जहां से मार्केट ने एक अप मूवमेंट लिया था। डाउन मूवमेंट क्या था, एक अप मूवमेंट आया था। ये मेरा एक साइकोलॉजिकल लेवल था जहाँ पर मार्केट ने आके अपने आप को दो बार रिटेस्ट किया। पहले तो उधर ही से गिरा, देन उसके आसपास गया, फिर गिरा और फिर इस तरीके से ऊपर जाते हुए आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऊपर गया इसी तरीके से और इधर ही से इसने रीटेस्ट करके, जहाँ से मैंने लोगों को ट्रेड भी दी हुई थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैंने कहा सब, मैं कोई दोस्तों मैं कोई ट्रेड नहीं देता, कॉल और पुट नहीं देता हूँ, मैं आपको केवल लेवल बताऊँगा, लेवल लेवल के अकॉर्डिंग काम करना है। दोस्तों, ये कॉल और पुट देने वाले आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपको ठग रहे हैं, आपका पैसा ख़राब करा रहे हैं। आप खुद ही देखिए, आपको जब वो सही लगे तभी आप ट्रेड करिए, मैं तो आपको यही बोलूँगा और कुछ नहीं बोलूँगा। उसके बाद आप देखिए रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट देखिए इस तरीके से नीचे गिर के आया, जहाँ लोगों ने अच्छे थे वही, फिर एक लेवल था जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, इसी जगह से अगेन उसने रिवर्सल लेना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को कर देते हैं इधर से अलग, है ना, देन उसके बाद हम आपको बताते हैं कि देखिए क्या हुआ मार्केट के अंदर। ये देखिए, सॉरी थोड़ा सा दोस्तों बीच में बैकग्राउंड साउंड आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कल का एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के क्या आ रहा है, एक तो ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग में मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है। कल अगर मार्केट दोस्तों देखिए, अगर मैं आपको दिखा दूँ, अगर मार्केट इस जोन के, ये दो जोन बने हुए हैं, अगर इस जोन के आसपास ओपन होता है, मतलब इस जोन के बीच में जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अगर इधर कहीं ओपन हो जाता है दोस्तों, तो उस कंडीशन में मार्केट अगर इधर ओपन हुआ तो पहले वो ऊपर की ओर जाएगा, इसको रिटेस्ट करेगा, फिर रिटेस्ट करने के बाद दोस्तों इस तरीके से नीचे आएगा। और मैं आपको एक चीज़ बना लूं कि आपका जो मंडे के दिन का जो सिनेरियो रहेगा, वो पुट साइड को, कॉल साइड में आप एंट्री ना करें, आप उधर ट्रैप हो जाएंगे और ट्रैप होने के बाद आप उधर पे ठग सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। अगर मैं आप मेरी बात माने तो आप जब बाय साइड पर, जब इधर कहीं पर आके एक बहुत ही अच्छा फ्राई एक्शन बनाता है, इस जगह पर आके कुछ ऐसी कैंडल्स बनाए, कुछ फ्राई एक्शन बनाए और उसको आप फॉलो करते हुए आपको इधर पर ट्रेड लेनी है दोस्तों, और ट्रेड में आपको बने रहना है और इस जोन के ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है। मार्केट एक बार दोस्तों, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, मार्केट एक बार एक रीटेस्टिंग और कर सकता है, हो सकता है इस लेवल तो मैंने आपको बताया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लेवल के कुछ ऊपर भी जाता है रीटेस्ट, तो वो करीब करीब इस जगह पर आ सकता है और इधर से वो फिर एक रिवर्सल, ये इस जगह पर आएगा और इधर से रिवर्सल लेके इसी तरीके से वो जो है दोस्तों गिर जाएगा। इस जगह पर आने के बाद वो इधर से नीचे की ओर गिर सकता है, जिसे आप देखिए इधर से वो नीचे की ओर गिरेगा और इस तरीके से आपको जो है इधर पे ट्रेड को बना लेना है।
तो मैंने एक तो आपको बता दी, एक तो आपको पुट साइड पे जाना, ये मैंने बता दी। अगर मार्केट अभी दूसरा एक मूव करता है जो मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट सपोज दैट इसके बीच में नहीं नीचे इधर कहीं ओपन करता है, तो पहले मार्केट इधर रिटेस्ट करेगा, देन उसके बाद इधर नीचे की ओर आएगा, और नीचे का जो उसका एक लेवल रहेगा, जो उसका एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है दोस्तों, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या रहेगा। एक बार मार्केट ने इधर से रिवर्सल शुरू किया था, मतलब 18,500 के आसपास अगर एक बड़ी गिरावट आती, नहीं तो ये 18,700 के 600 जो है ना दोस्तों, 600 के नीचे चल रहा है अभी, 18,500 के आसपास तक ये आने की चांस इसमें बनेंगे दोस्तों। उस लेवल को आप बना के रखें, और अगर ये ऊपर की ओर ओपन करता है दोस्तों, तो इधर पे ये पहले इस तरीके से अगर ओपन किया, तो पहले नीचे आएगा देन ऊपर। अगर ऊपर ओपन करता है दोस्तों, तो आपके सामने सीधी एक रेंज बनी हुई है जिसको आप अच्छे से देख लें कि वो पहले इधर ओपन करेगा, इधर आएगा, देन ये रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा। अगर ऊपर ओपन करता है तो आपको कॉल साइड पर अपनी पोजिशन बना लेना है, और अगर बीच में ओपन करता है तो रिटेस्ट करने के बाद आपको दोस्तों अपना जो है नहीं पुट साइड पे बनाना, और नीचे ओपन करता है तो भी आपको पुट साइड। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, लेवल्स दे दिए हैं जिन लेवल्स को आप अच्छे से देख लें और लेवल्स का यूज़ करें। मैंने लेवल्स पे लाइन ड्रॉ करके रखी भी हुई है, एक मैं आपके लिए और एक पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ जहाँ तक मार्केट जाएगा करीब करीब इधर तक, अगर इसके नीचे, बट इसके नीचे खुलना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, मुझे लग रहा है गैप डाउन ओपनिंग अगर होगी तो ऊपर साइड होगी या बीच में होगी। मेरा जो ऑब्जर्वेशन बोल रहा है, मार्केट इस सिनेरियो के बीच में ही ओपन करेगा मोस्टली, जहाँ पे आपको इस जगह पे आके 18,740 के आसपास आके, जहाँ कल भी वो बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल है, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, इधर पे रेजिस्टेंस लेगा, देन अगेन नीचे की ओर आएगा, और उधर पे आप अच्छे से अपनी ट्रेड को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं जिन्हें आप अच्छे से देख लें। बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी वही हुआ, टूट पहले ओपन हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, देन ऊपर गया। आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई जिसके बाद ही ऊपर गया, इस तरीके से फर्स्ट टाइम इसने इस लेवल को टच किया जो मैंने ऑलरेडी पहले से ही ड्रॉ करके रखा है। सेकंड टाइम किया, मैंने इधर पे अपनी पोजीशन बनाई थी, और उसके बाद ही लगातार नीचे आया एक पोजिशन बना के, ये देखिए। और इसने ट्रेंड लाइन को भी फॉलो किया हुआ है इधर पर, बैंक निफ्टी में एक अच्छी ट्रेंड लाइन को भी फॉलो किया जा रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से है। चलिए आप देख सकते हैं, ये देखिए किसने एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है इधर पे इस तरीके से। अभी ट्रेंड लाइन भी मैंने इधर डाल दी है आपके लिए। अभी मैं आपको उसमें बताना चाहूँगा, अगर मार्केट इस रेंज के बीच में, मतलब सॉरी, अगर मार्केट इस रेंज के बीच में आसपास कहीं ऊपर हो जाता है ना, इस रेंज के बीच में, तो आप ये मानिए कि अगर इस रेंज के बीच में होता है तो भी आपकी पुट साइड, क्योंकि इधर पे आप देखिए डबल बार जो है रेजिस्टेंस ले चुका है, तो मार्केट इधर कहीं भी ओपन होता है तो प्लीज़ आप बीच में अगर होता है आप ट्रैप ना हो, पहले ही ऊपर जाएगा, देन इधर पे कोई प्राइस एक्शन के बाद ये डायरेक्ट धमाक से नीचे गिरेगा, आपको पुट साइड पर बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी अगर बीच में ये इस तरीके का कुछ भी करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये इस जोन सेम, अगर इस जोन में नीचे ओपन होता है तो थोड़ा सा इधर पे एक प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि इधर पे 43,400 का एक लेवल है जो थोड़ा परेशान करने वाला है, और उसके नीचे भी एक लेवल जो बना हुआ है 43,350 के, और ये रेंज जो है 400 से 350 के बीच, इस रेंज में भी काफ़ी ज़्यादा इसने वॉल्यूम रहा है। तो अगर ये नीचे ओपन होता है दोस्तों, आपको पहले थोड़ा वेट करना है कि ये नीचे गिरेगा कि नहीं, क्योंकि इसको वेट करना है, तब ये थोड़े जोन को प्रॉपर तरीके से तोड़ दिया था, प्रॉपर प्राइस एक्शन दिया था, तब आपको पुट साइड पे एंट्री करना है, और वरना बीच में तो मैंने आपको बता के रख दिया है। और अगर ये इसके ओपन ओपन होता है तो आप जहाँ भी ओपन हो उधर से पहले एक बार ये रिटेस्ट करेगा इस जगह को, इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा, देन इसके बाद इधर से बहुत ही अच्छी एंट्री लगा के ऊपर की ओर जाएगा, जहाँ पे आप इधर तक के रेंज में इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और ये 44,000 के लेवल को लेकिन अगेन टच नहीं करेगा जो मुझे पता है, ये नीचे ही जाएगा, बट मैं आपको ऊपर की पोजिशन का भी एक सिनेरियो दे रहा हूँ, तो मैंने अपने लेवल्स दे दिए हैं। प्लीज़ मैं आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, आप इस चैनल को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरे लेवल को ऑब्जर्व कर लें, आपको ये लेवल अच्छे लग जाएं, तो उसके बाद जब आप कल देख लें मार्केट ओपन होने दें, मेरे लेवल्स ड्रॉ कर लें। मैं कहता हूँ उसके हिसाब से ट्रेड ना करें, ड्रॉ करके देखें तो एक बार, हो सकता है मैं कुछ सही बोल रहा हूँ, और अगर मेरे लेवल्स आपको सही लगे ना, तो जल्द से जल्द आप मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। सो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं, आपका ट्रेडिंग गुरु में स्वागत है। दोस्तों आज मैं देखिए, पहली तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, कि मैं अभी अपना
बहुत दिनों बाद एक लाइव अपडेट डाल रहा हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मंडे के दिन का मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ मूव करेगा। दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे लिए एक बार इस चैनल पे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आप बहुत सी चैनलों पे वीडियो देख रहे हैं और उन्हें लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, एक बार मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप मुझे लाइक तब करें जब आप अगले दिन मार्केट ओपन हो, आप मेरे लेवल को रिटेस्ट करें, देखें कि उधर लेवल गया कि नहीं, उनने काम किया कि नहीं। अगर काम नहीं किया तो बिल्कुल ना करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें। लेकिन अगर मेरे लेवल काम करते हैं तो प्लीज़ फिर से आके मेरी चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। तो मैं आज अपने वीडियो में शुरू करने के पहले, जहां मैं आपको बताऊंगा कि मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी का मार्केट कहां जाएगा और कैसा रहेगा, वो दिखाने के लिए मैं आपको चला आता हूं। सबसे पहले मैं इस टैक्स में एक चीज़ आप लोगों के लिए नोट डाउन करना चाहूँगा कि आप पहले लेवल देखें, ठीक है, मार्केट में टेस्ट करें, टेस्ट करें, जब सही हो तभी चैनल को लाइव करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, पर करें ज़रूरी। अगर मैं अच्छी बात बता रहा हूँ तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत को सफल होने दें, ऐसे ख़राब ना करें। अगर मेरे लेवल सही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना वीडियो और आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कुछ लेवल हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने अभी लगा लिए हैं आपके सामने, देखिए आपको दिख रहा होगा। ये है शुक्रवार के दिन का मार्केट निफ्टी में, जहां आप देख सकते हैं मार्केट ने किस तरीके से साइकोलॉजिकल लेवल को फॉलो किया। पहले तो देखिए इसकी गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद दोस्तों देखिए ये एक जो लेवल था मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था, जहां से मार्केट ने एक अप मूवमेंट लिया था। डाउन मूवमेंट क्या था, एक अप मूवमेंट आया था। ये मेरा एक साइकोलॉजिकल लेवल था जहाँ पर मार्केट ने आके अपने आप को दो बार रिटेस्ट किया। पहले तो उधर ही से गिरा, देन उसके आसपास गया, फिर गिरा और फिर इस तरीके से ऊपर जाते हुए आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये ऊपर गया इसी तरीके से और इधर ही से इसने रीटेस्ट करके, जहाँ से मैंने लोगों को ट्रेड भी दी हुई थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैंने कहा सब, मैं कोई दोस्तों मैं कोई ट्रेड नहीं देता, कॉल और पुट नहीं देता हूँ, मैं आपको केवल लेवल बताऊँगा, लेवल लेवल के अकॉर्डिंग काम करना है। दोस्तों ये कॉल और पुट देने वाले आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपको ठग रहे हैं, आपका पैसा ख़राब करा रहे हैं। आप खुद ही देखिए, आपको जब वो सही लगे तभी आप ट्रेड करिए, मैं तो आपको यही बोलूँगा और कुछ नहीं बोलूँगा। उसके बाद आप देखिए रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट देखिए इस तरीके से नीचे गिर के आया, जहाँ लोगों ने अच्छे वही फिर एक लेवल था जहां से मार्केट ऊपर गया था, इसी जगह से अगेन उसने रिवर्सल लेना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो हम इस चीज को कर देते हैं इधर से अलग, है ना। देन उसके बाद हम आपको बताते हैं कि देखिए क्या हुआ मार्केट के अंदर। ये देखिए सॉरी, थोड़ा सा दोस्तों बीच में बैकग्राउंड साउंड आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कल का एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के क्या आ रहा है, एक तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग में मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है। कल अगर मार्केट दोस्तों देखिए, अगर मैं आपको दिखा दूँ, अगर मार्केट इस जोन के, ये दो जोन बने हुए हैं, अगर इस जोन के आसपास ओपन होता है, मतलब इस जोन के बीच में जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अगर इधर कहीं ओपन हो जाता है दोस्तों, तो उस कंडीशन में मार्केट अगर इधर ओपन हुआ तो पहले वो ऊपर की ओर जाएगा, इसको रीटेस्ट करेगा, फिर रीटेस्ट करने के बाद दोस्तों इस तरीके से नीचे आएगा। और मैं आपको एक चीज़ बना लूँ कि आपका जो मंडे के दिन का जो सिनेरियो रहेगा, वो पुट साइड को कॉल साइड में आप एंट्री ना करें, आप उधर ट्रैप हो जाएंगे और ट्रैप होने के बाद आप उधर पे ठग सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। अगर मैं आप मेरी बात माने तो आप जब बाय साइड पर, जब इधर कहीं पर आके एक बहुत ही अच्छा प्राइज एक्शन बनाता है, इस जगह पर आके कुछ ऐसी कैंडल्स बनाए, कुछ प्राइज एक्शन बनाए और उसको आप फॉलो करते हुए आपको इधर पर ट्रेड लेनी है दोस्तों, और ट्रेड में आपको बने रहना है और इस जोन के ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है। मार्केट एक बार दोस्तों मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, मार्केट एक बार एक रीटेस्टिंग और कर सकता है, हो सकता है। इस लेवल तो मैंने आपको बताया, लेकिन कई बार क्या होता है कि लेवल के कुछ ऊपर भी जाता है रीटेस्ट, तो वो करीब करीब इस जगह पर आ सकता है और इधर से वो फिर एक रिवर्सल ये इस जगह पर आएगा और इधर से रिवर्सल लेके इसी तरीके से वो जो है दोस्तों गिर जाएगा। इस जगह पर आने के बाद वो इधर से नीचे की ओर गिर सकता है, जिसे आप देखिए इधर से वो नीचे की ओर गिरेगा और इस तरीके से आपको जो है इधर पे ट्रेड को बना लेना है। तो मैंने एक तो आपको बता दी, एक तो आपको पुट साइड पे जाना है, ये मैंने बता दी। अगर मार्केट अभी दूसरा एक मूव करता है जो मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट सपोज दैट इसके बीच में नहीं, नीचे इधर कहीं ओपन करता है, तो पहले मार्केट इधर रीटेस्ट करेगा,
देन उसके बाद इधर नीचे की ओर आएगा, और नीचे का जो उसका एक लेवल रहेगा, जो उसका एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है दोस्तों, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या रहेगा। एक बार मार्केट ने इधर से रिवर्सल शुरू किया था, मतलब 18,500 के आसपास अगर एक बड़ी गिरावट आती है, नहीं तो ये 18,700 के 600 जो है ना दोस्तों, 600 के नीचे चल रहा है अभी, 18,500 के आसपास तक ये आने की चांस इसमें बनेंगे दोस्तों, उस लेवल को आप बना के रखें। और अगर ये ऊपर की ओर ओपन करता है दोस्तों, तो इधर पे ये पहले इस तरीके से अगर ओपन किया तो पहले नीचे आएगा देन ऊपर, अगर ऊपर ओपन करता है दोस्तों तो आपके सामने सीधी एक रेंज बनी हुई है जिसको आप अच्छे से देख लें कि वो पहले इधर ओपन करेगा, इधर आएगा देन ये रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा। अगर ऊपर ओपन करता है तो आपको कॉल साइड पर अपनी पोजिशन बना लेना है, और अगर बीच में ओपन करता है तो रिटेस्ट करने के बाद आपको दोस्तों अपना जो है नहीं पुट साइड पे बनाना, और नीचे ओपन करता है तो भी आपको पुट साइड। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, लेवल्स दे दिए हैं जिन लेवल्स को आप अच्छे से देख लें और लेवल्स का यूज़ करें। मैंने लेवल्स पर लाइन ड्रॉ करके रखी भी हुई है, एक मैं आपके लिए और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जहाँ तक मार्केट जाएगा करीब करीब इधर तक। अगर इसके नीचे, बट इसके नीचे खुलना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, मुझे लग रहा है गैप डाउन ओपनिंग अगर होगी तो ऊपर साइड होगी या बीच में होगी। मेरा जो ऑब्जर्वेशन बोल रहा है, मार्केट इस सिनेरियो के बीच में ही ओपन करेगा मोस्टली, जहाँ पे आपको इस जगह पे आके 18,740 के आसपास आके, जहाँ कल भी, और बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल है ये, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, इधर पे रेजिस्टेंस लेगा देन अगेन नीचे की ओर आएगा, और उधर पे आप अच्छे से अपनी ट्रेड को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं जिन्हें आप अच्छे से देख लें। बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी वही हुआ, टूट पहले ओपन हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई देन ऊपर गया, आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई जिसके बाद ही ऊपर गया इस तरीके से। फर्स्ट टाइम इसने इस लेवल को टच किया जो मैंने ऑलरेडी पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, सेकंड टाइम किया मैंने इधर पे अपनी पोजीशन बनाई थी, और उसके बाद ही लगातार नीचे आया एक पोजिशन बना के, ये देखिए। और इसने ट्रेंड लाइन को भी फॉलो किया हुआ है इधर पर, बैंक निफ्टी में एक अच्छी ट्रेंड लाइन को भी फॉलो किया जा रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से है। चलिए आप देख सकते हैं, ये देखिए किसने एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है इधर पे इस तरीके से। अभी ट्रेंड लाइन भी मैंने इधर डाल दी है आपके लिए। अभी मैं आपको उसमें बताना चाहूँगा, अगर मार्केट इस रेंज के बीच में, मतलब सॉरी, अगर मार्केट इस रेंज के बीच में आसपास कहीं ऊपर हो जाता है ना, इस रेंज के बीच में, तो आप ये मानिए कि अगर इस रेंज के बीच में होता है तो भी आपकी पुट साइड, क्योंकि इधर पे आप देखिए डबल बार जो है रेजिस्टेंस ले चुका है, तो मार्केट इधर कहीं भी ओपन होता है तो प्लीज़ आप बीच में अगर होता है आप ट्रैप ना हो, पहले ही ऊपर जाएगा देन इधर पे कोई प्राइज एक्शन के बाद ये डायरेक्ट धमाक से नीचे गिरेगा, आपको पुट साइड पर बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी अगर बीच में ये इस तरीके का कुछ भी करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये इस जोन सेम, अगर इस जोन में नीचे ओपन होता है तो थोड़ा सा इधर पे एक प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि इधर पे 43,400 का एक लेवल है जो थोड़ा परेशान करने वाला है, और उसके नीचे भी एक लेवल जो बना हुआ है 43,350 के, और ये रेंज जो है 400 से 350 के बीच, इस रेंज में भी काफ़ी ज़्यादा इसने वॉल्यूम रहा है। तो अगर ये नीचे ओपन होता है दोस्तों, आपको पहले थोड़ा वेट करना है कि ये नीचे गिरेगा कि नहीं, क्योंकि इसको वेट करना है, तब ये थोड़े जोन को प्रॉपर तरीके से तोड़ दिया था, प्रॉपर प्राइस एक्शन दिया था, तब आपको पुट साइड पे एंट्री करना है, और वरना बीच में तो मैंने आपको बता के रख दिया है। और अगर ये इसके ओपन होता है तो आप जहाँ भी ओपन हो उधर से पहले एक बार ये रिटेस्ट करेगा इस जगह को, इसके लिए ये सपोर्ट बन जाएगा, देन इसके बाद इधर से बहुत ही अच्छी एंट्री लगा के ऊपर की ओर जाएगा, जहाँ पे आप इधर तक के रेंज में इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और ये 44,000 के लेवल को लेकर अगेन टच नहीं करेगा जो मुझे पता है, ये नीचे ही जाएगा, बट मैं आपको ऊपर की पोजिशन का भी एक सिनेरियो दे रहा हूँ। तो मैंने अपने लेवल्स दे दिए हैं, प्लीज़ मैं आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, आप इस चैनल को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरे लेवल को ऑब्जर्व कर लें, आपको ये लेवल अच्छे लग जाएं, तो उसके बाद जब आप कल देख लें मार्केट ओपन होने दें, मेरे लेवल्स ड्रॉ कर लें। मैं कहता हूँ उसके हिसाब से ट्रेड ना करें, ड्रॉ करके देखें तो एक बार, हो सकता है मैं कुछ सही बोल रहा हूँ, और अगर मेरे लेवल्स आपको सही लगे ना तो जल्द से जल्द आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।